आज जो है देखिए इस तरीके से चूल्हे पे जो है ये बनेगा, चूल्हे पे नहीं, आग पे। आग पे जो है ये देखिए सरसों का तेल है और यहाँ इसमें डाला जा रहा है पतीले में। देखिए यहाँ चूल्हा जल रहा है, देखिए यहाँ तेल गिराया जा रहा है सरसों का, एकदम शुद्ध देसी सरसों का तेल। कैमरा थोड़ा दूर कर रहे हैं क्योंकि जो है आँच आ रहा है हाथ पे। देखिए जो है ये स्टाइल से सरसों का तेल डाल रहे हैं और ये देखिए कमाल, हाथ में मोबाइल जल रहा है जबकि इधर लाइट है, यहाँ बल्ब की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एक से एक लोग बैठे हुए हैं, महानुभाव देखिए ये आग जलाने वाले हैं। और तो भी बस देखिए सरसों का तेल जो है कढ़ाई में पड़ चुका है, थोड़ा सा इसमें नीचे छोटे छोटे बुज्जा निकल रहा है। देखिए हमारी जो है हेड सेफ आ चुकी हैं। हाँ देखा यार, कितना हो माल, कितना है? ढाई किलो। ढाई किलो थोड़ा सा और डाला था, बस करा, बस करा, बस करा, बस करा, बस करा, हो बस करा, हो बहुत होगा, ज्यादा हो जाए घबरा जाए। लाल मिर्च वर्चा डाला फटक से, अब देखिए जो है इसमें जो है हरा मर्चा खड़ा डाल दिया गया तोड़ तोड़ के, लाल मर्चा भी तो एक दूसरे डाल दीजिए। लाल मर्चा नहीं डाला जाता है। अरे एक आखे डाल दो, करा ना उखड़ी एक आखे नहीं है। अब देखिए तेज पत्ता इनके का बताइए, एक एक पीस डाल दा, एक से दो पीस डाल दा, कोई दिक्कत नहीं है। दलाई हो देखा हो तो दालचीनी नहीं, बस होकर हल्का चला दा, स्टेयर करा। यहाँ हथियार है और यहाँ प्याज है, ये सारी भी चीजें हैं। इधर लहसुन भी रखा हुआ है और इधर जो है अदरक रखा हुआ है। अब इसको पकने दीजिए क्योंकि इसमें फिर अब जो है प्याज पड़ेगा। मिलते हैं तब तक कुछ देर में, और तब तक हम प्याज काट ले जो है, थोड़ा हमारा भी चेहरा देख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे लोग हमको। ये देखिए हमारे जो है बिहार से सेफ आए हुए हैं, पूर्णिया जिले से सीख के। अब देखिए जो इसमें जो है प्याज पड़ेगा, खड़ा लहसुन डाल दिया गया है और आज मुर्ग मुसल्लम बन रहा है देसी स्टाइल में एकदम चूल्हे पे, देख सकते हैं आप। गर्मा गर्म सरसों के तेल में जो है खड़ा खड़ा प्याज डाला जा रहा है और बाकी मसाला अलग फ्राई हो रहा है। नई रेसिपी के अनुसार जो है आज बनेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा स्टेयर कर दीजिए उसको। हाँ देख लीजिए दर्शकों कितना बेहतरीन जो है लग रहा है, अभी से मुंह में पानी आ गया यार। ये देखिए लकड़ी पे से बनता है खाना, इस तरीके से चूल्हे में जो है लकड़ी डाला जाता है। देखिए आँख में धुआं लग रहा है तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसको क्रॉस करके लकड़ी लगाया जाता है। इसको भी क्रॉस करके लगाएंगे तो तेजी से चलेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा जल रहा है चूल्हा बढ़िया सा जो है। अच्छा बर्तन पे जो है इस पे मिट्टी लगा दिया जाता है ताकि बर्तन काला ना हो तो साफ करने में आसानी रहे, ठीक है। देख सकते हैं कि बाहर से मिट्टी लगा हुआ है, ठीक है, तो मिट्टी ही जलेगी बर्तन आपका नहीं जलेगा। अन्नी आ जाओ, आ जाओ, आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए अन्नी भी आ रही है, आज का चिकन जो है अन्नी बनाएगी। हाय कर दो, हाय कर दो बेटा, हाय करो, हाय करो, हाय। एक ठो मम दे दो, मम दे दो। अरे वाह भाई, देखिए अन्नी जो है मिट्टी दे दी। देखिए इसमें जो है नमक पड़ रहा है, इस तरीके से इसको जो है आराम आराम से
चला लेते हैं। अंश नहीं भैया कहते हैं, भैया भाई। ए आग से मत खेलो, हम पीट देंगे अभी। चलो ऑटो, अभी हम पीट देंगे, रखो आग इधर। ये तो आँच चल रहा है और खुले पतीले में बन रहा है, तो इसको हल्के हाथ से जो है चलाते रहते हैं, ताकि जो है प्याज जो है बर्तन की पेंदी में ना पकड़े, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो बस बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो प्याज ठंडा होने लगेगा, तो गर्म नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बस हल्का हल्का जो है इसको चला लेते हैं, थोड़ा पास से दिखाओ। बस इसको हल्के हल्के चला लेते हैं ताकि पेंदी में जो है प्याज ना पकड़ने पाए। चलाना यानी स्टेयर करना, ठीक है। एकदम देसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, ना कोई प्रेशर कुकर ना कुछ भी। अन्नी आ जाओ भाई, अन्नी आ जाओ। इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी जब अगला स्टेप करेंगे तो फिर हम आगे जो है कंटिन्यू शूटिंग करेंगे। बंद कर दो। ये देखिए जो है बिहार के इस नई विधि में जो है चिकन में जो है इस तरीके से नींबू जो है नींबू डाल रहा है। ये अभी हमारा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन ये बाबू साहब का अनुभव है, तो इनकी रेसिपी जो है लिखी जाएगी। तो देखिए उसमें नींबू मिला रहा है, मिलाइए भाई, नींबू डालिए जो है। देखिए उसमें नींबू निचोड़ा जा रहा है, कितना सारा नींबू का रस डाल दिया जा रहा है। आज लगता है बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, बाकी स्वाद का आनंद तो हम लोग लेंगे। उसमें नमक भी डालना है क्या? थोड़ा सा नहीं, नमक नहीं डालना है। और देखिए जो इधर हमारा मसाला पक रहा है धीमी धीमी आंच पे, एकदम सुनहला होता जा रहा है, एकदम मस्त जो है डाल दी में। इस तरीके से पक्की तब ना। और इधर हमारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो गया है। अभी जब मसाला थोड़ा सा और तेल छोड़ देगा प्याज, जब तो अदरक लहसुन का प्याज डाल के हम लोग जो है इसको फिर जो है भुनना शुरू करेंगे। और उधर हमारा जो है मुर्गी तैयार हो रहा है, देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है जो है। इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिए हैं, थोड़ा सा भी डालना है, थोड़ा सा जो है डालिए जो है भाई, मसाला डालिए जो है। और ये कलर जो आ रहा है, कौन सा मसाला है इधर देख सकते हैं आप, एवरेस्ट मसाला है। बस करिए, बाकी मसाला पड़ चुका है। तो देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन रंग निखर के आ रहा है धीमी आंच पे। इस तरीके से आप गैस पर नहीं बनाइए मुर्गा, इस देसी चूल्हे पे बनाया करिए, बहुत अच्छा जो है स्वाद आएगा। महक अभी लग रहा है कि पूछिए मत। देखिए जो इसमें पीस डाल के जो है मसाला चला दिया गया है अच्छे से, गौर से आप देख लीजिए, बहुत ही देखिए बेहतरीन रंग आता हुआ, और इससे भी बेहतरीन इसकी खुशबू कमाल है। देखिए जो है बाटी जो है आग में ना बन के हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न इस तरीके से बना रहे हैं, और ये देखिए अवन में पक रहा है बाटी, और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बन रहा है। झारखंड से आए हैं, तो आप लोग बाटी बनाइए अवन में और मस्त एकदम जो है। और ये बाटी जल्दी कड़ा नहीं होता। देखिए किस तरीके से बाटी खाओगे इसी मुलायम, हाँ एकदम मुलायम बाटी। माइक्रोवेव में हो रहा है तो मस्त एकदम। झारखंड से आए हैं? हाँ भाई, झारखंड से ही मान लीजिएगा आए हैं। इस तरीके से गोल गोल बाटी बन रहा है, और इधर जो देखिए जो है कलर आ गया ना, मस्त रंग आ चुका है। और क्या है ये?
चप्पल पहने तो क्या कोनो बात नहीं, एकदम देसी देसी स्टाइल है। हो ना हो करे कदरवा जट बनाई था गदरवा नहीं था अधिक तो आठ व्यू मिलेला हो टकटरवा पे आर्मी बीटी 14 अब देखिए जो है धनिया डाल के जो इसको गार्निश किया जा रहा है गार्निश किया जा रहा है धनिया डाल के मतलब भाई धनिया इसमें फैलाया जा रहा है। अरे ज्यादा बस खरा कुछ ज्यादा धनिया आ जाए हमने भैंसी हो जाए अब घंटा को साफ कर लिया जाए डेली व्लॉग डाल रही हूं आगे चल चलो सौरभ जोशी के अरे बट्टिया के खींच लिया पग धर हां यार बट्टी बट्टी लाई बट्टी लाई फूल डाला फूल डाला स्टैंड नहीं लगल का स्टैंड में नागपुर बिलासपुर वंदे भारत चालू हो गई। देखिए हमारे जो है जर्मन शेफर्ड वाले सेफ हैं ये है इनका जो है मेथड है जो है माइक्रोवेव में। ये देखिए फाइनली जो है गर्मा गर्म जो है इसमें वो आ चुका है तो आप लोग हम लोग जो है उसको टेस्ट करने वाले हैं।